नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पहुंची है भिवानी। भिवानी जिले के राजनीतिक हालात क्या हैं? 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए भिवानी जिले के जो चार विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के मतदाताओं का क्या मूड है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के, इसको जानने के लिए आज हम भिवानी जिले में पहुंचे हैं। इससे पहले हमारी वोट यात्रा अलग अलग जिलों में जा रही है। वोट यात्रा के तहत आज हम भिवानी जिले में हैं। भिवानी जिले की इस वोट यात्रा में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। जो आज के मेहमान हैं हमारे, उसमें हमारे साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संदीप शोराण जो है वो जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से देवराज मेहता साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ पवन हिंदुस्तानी है, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष जो है वो यहाँ पर रखेंगे। हमारे साथ बलराज सिंह चौहान जो है वो जननायक जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल से अनिल काठपालिया जी हमारे साथ हैं, जो शहरी प्रधान हैं और पूर्व में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार जो हैं वो भी रहे हैं। ये अपनी पार्टी का, अपने गठबंधन का इस बार भिवानी जिले में क्या रहेगा इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई में ये छोटी काशी बन पाया है? और इसके अलावा पूरे भिवानी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे। और पूरी इस वोट यात्रा के दौरान जनता के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब जनता भी पूछेगी, जो नेता यहाँ पहुँचे हैं उनसे जवाब लेगी। ये जो तमाम जो लोग हैं भिवानी जिले के जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल के बाद जो मौका आता है अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का, ये अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल अब करेंगे और 2024 में विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार इनको बनानी है इसका फैसला ये करेंगे। ऐसे में हम कार्यक्रम की वोट यात्रा की शुरुआत भिवानी जिले की करने जा रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जो यहाँ जनता है, आप लोग तालियां बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए, क्योंकि 5 साल का जो ये चुनावी रण है ये आज अब हरियाणा में इसका बिगुल बजा हुआ है। और किस तरीके से किन किन मुद्दों के ऊपर ये भिवानी जिले में चुनाव रहेगा इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस चर्चा में हम अपनी वोट यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के संदीप शोराण साहब के पास जाएंगे और जानेंगे कि भिवानी जिले की 4 सीट है शोराण साहब, तोसाम है, भवानी खेड़ा है, इसके साथ ही जो है वो ये भिवानी शहर की सीट हो गई, लोहारू है। चारों जगह पर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बीजेपी का दबदबा है, कब्जा है। भिवानी में बीजेपी, लोहारू में बीजेपी, भवानी खेड़ा में बीजेपी, लेकिन इसके साथ ही आपके पास तोसाम नहीं था जो अब आपके पास है, क्योंकि किरण चौधरी 2019 में कांग्रेस से विधायक बनी, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में सांसद है, उनकी बेटी अब इस चुनाव में उम्मीदवार है। लेकिन 2024 में आप 2019 का इतिहास दोहरा पाएंगे? अगर दोहरा पाएंगे तो किन मुद्दों के आधार पर? देखिए, भिवानी जिले की जनता 2019 में भी पूरी तरह से मन बना चुकी थी बीजेपी के लिए, और 2024 में अगर हम जनता के बीच जाते हैं तो हर बूथ पे बीजेपी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इसका एक विशेष कारण है कि युवा वर्ग, विशेष तौर से चारों विधानसभाओं का, जो माननीय मनोहर लाल जी ने एक प्रथा शुरू करी हरियाणा में, जिसको मैं कहता हूँ कि एक पूरी तरह से दिशा और दशा परिवर्तन का उन्होंने जो काम किया है, एक व्यवस्था परिवर्तन का जो काम किया है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां जो माननीय मनोहर लाल जी ने देने की जो प्रथा चलाई है, हरियाणा का युवा पूरी तरह से उसके अंदर विश्वास रखता है। हरियाणा का युवा 100% ये चाहता है कि ये व्यवस्था बनी रहे, सिर्फ काबिलियत के आधार पर युवाओं को रोजगार मिले, किसी पर्ची और खर्ची का चलन किसी तरह से ना रहे, और शिक्षा व्यवस्था में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रदेश का विश्वास रहे। इसलिए युवा पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। जो युवाओं के साथ, हम जिसको कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो सरदारी है, जो लंबे समय से राजनीतिक तौर पे राजनीतिक नेताओं के साथ रही है, वो राजनीतिक सरदारी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन युवाओं को साथ लेकर बीजेपी इन चारों विधानसभाओं में फिर से अपने चारों प्रत्याशियों को जिताएगी और एक बार फिर से हरियाणा में तीसरी बार इनरो सरकार बनाएगी। जी,
ये इनकी बात है कि हमने युवाओं को जो मेरिट के आधार पर नौकरी दी है, ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले सभी नेताओं से, मेहता साहब दावा कर रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं शौरान साहब, कि हमने मेरिट पे नौकरियां दी है, शिक्षा का जो सत्र है वो बेहतर हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं? भिवानी जिले की बात हम करेंगे सर, चूंकि ये चुनाव जो है पूरे प्रदेश का है, लेकिन इस वक्त हम भिवानी जिले में हैं, वोट यात्रा जनता टीवी की आप लोगों के लिए आपके बीच है, भिवानी जिले की क्या तस्वीर देखते हैं सर आप? शौरान साहब ने जो बात की है ये एक मजाक लगती है, कमाल की बात है। कहाँ किसको नौकरियां मिली, बिना खर्ची पर्ची की बात कहते हैं। कितने घोटाले सामने आए, कितने रिश्वत केस में ये लोग बंद हुए। आज जो नौकरियां ये दे रहे हैं, कौशल रोजगार योजना, हमारे बच्चे जो MA हैं, BA हैं, वो बेचारे 15-16 हज़ार में उनको नौकरियां दे रहे हैं। और जो बड़ी नौकरियां गजेटेड ऑफिसर की नौकरियां हैं वो सारी गुजरात के लोगों को दी जा रही हैं। कहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, किसकी बात करते हैं ये लोग? आज ये सरकार 10 साल में, ये सरकार जो मनोहर लाल का नाम ले रहे हैं, ये मनोहर लाल खट्टर नाम है, उसने ये सरकार को खटारा बना के रख दिया। 10 साल में आते ही, राज आते ही कितने झूठे सपने दिखाए इन लोगों ने, और आते ही सबसे पहले तलवार हर वर्ग पे चलाई। मैं सिलसिलेवार हर वर्ग का नाम लूँगा। सबसे पहले इन्होंने व्यापारी रगड़े, जो कि एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है। आते ही GST लागू किया, GST से इनकार नहीं था व्यापारी को, इतना कॉम्प्लिकेटेड लागू किया कि व्यापारी व्यापार तो नहीं कर पाता, लेकिन अपने कागज लेके CA के पास और वकीलों के पास घूमता रहता है। उसके बाद इन्होंने अपना PID लागू कर दी। आम आदमी जिस बेचारे को नॉलेज नहीं है, किसी उसका मकान किसी और के नाम चढ़ा दिया गया या उसका एरिया कम दिखा दिया गया, वो बेचारा ठीक करवाने के लिए चक्कर काट रहा है। आज 5 साल से सर्वे हुआ है, याशी कंपनी ने किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और लोग ठीक करवाने भी रह रहे हैं, और जो बाहर लोग रहते थे उनकी प्रॉपर्टियां दूसरे के नाम चढ़ा के और वो बेच दी गई। उसके बाद आओ फैमिली आईडी पे इनकम किसी से पूछी इन्होंने नहीं पूछी, ज़्यादा इनकम दिखा के उनके पीले गुलाबी राशन कार्ड काट दिए, यहाँ तक कि पेंशन भी काट दी गई। ये बात करते हैं ईमानदारी की और उसकी। और उसके बाद एक सबसे अहम मुद्दा जो आम आदमी को मालूम नहीं है, नॉन एनर्जी चार्ज के नाम से इतनी लूट मचाई इन लोगों ने। नॉन एनर्जी चार्ज जो बिजली के बिल हैं, कोई बेचारा आम आदमी चेक नहीं करता उस बिल को। इन्होंने आज तक उसके अंदर नॉन एनर्जी, जो एनर्जी यानी जो लाइट हमने खर्ची नहीं की और उस लाइट के पैसे जुड़े हुए हैं, और इन्होंने किस लिए किए, और हमने जवाब मांगे, विरोध किया, जवाब ये मिला जी ये आपकी ना सिक्योरिटी ले रहे हैं। कोई जवाब भी ठीक नहीं दे पाया बिजली बोर्ड वाला, क्योंकि जवाब क्या दे, हैं किस चीज़ के, क्यों जो मीटर लगता है सिक्योरिटी पहले ले ली जाती है, अब सिक्योरिटी का क्या काम। ऐसे ही आज शहर की हालत आप देखो, 10 साल में लोग सीवर का पानी पीने पे मजबूर हैं, जगह जगह सीवर भरे हुए हैं। अभी भी आप शहर में आप घूम के देखो, हर जगह सीवर का पानी है। मैं सीवर की पानी की बोतल भी लेके आया हूँ आज, ताज़ी अभी की भरी हुई। ये आप सीवर के पानी देखो, इस आदमी ये पानी पी के भिवानी वाले जी, ये पानी पी के भिवानी वाले कैसे, मतलब कैसे ठीक रहेंगे? शिवराज साहब आपको जवाब देना है इसका, लेकिन सिलसिलेवार सभी के पास आऊंगा, आपको इसका जवाब देना है। ये पानी बता रहे हैं कि ये पी रहे हैं यहाँ के लोग। अब हमने जब इसका विरोध किया, भाई ये सीवर ओवरफ्लो हैं, बारिश 15 मिनट आती है तो शहर का पानी 2 दिन नहीं निकलता, तो इनको साफ किया जाए। 10 साल से ये सीवर की लाइन साफ नहीं कर पाए, दादरी गेट से लगा के और डिस्पोजल तक, जो दिनोद गेट पे डिस्पोजल है वहाँ तक सीवर लाइन साफ नहीं हुई। हमें बार बार ये आश्वासन दिए सरकार ने कि अमृत योजना लाए हैं, इसके हमारे दोबारा सीवर लाइन डलेगी, दोबारा हम काम करेंगे। उस अमृत योजना के पैसे सारे खा गए ये लोग, इन्होंने यही, आपके पास में हाउसिंग बोर्ड है, अभी पास में हाउसिंग बोर्ड है, बिना वजह उसमें सीवर लाइन डाल दी, कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास कांग्रेस राज में बना हुआ MPS है, मेन पंपिंग स्टेशन, जो डिस्पोजल दोनों डिस्पोजल से 1.5 गुना बड़ा है, वो पानी 1 मिनट में निकाल लेता है, लेकिन इन्होंने पैसे खाने थे, बिना वजह सीवर लाइन डाल दी। और हर अमृत योजना का एक जगह ये बता दें कि हमने पैसा ठीक लगाया है, सब पैसा सरकार का ऐसे बेकार गया है। और एक बात और कहूँगा मैं, नोटबंदी की इन लोगों ने, किसी को मालूम है नोटबंदी क्यों की? नोटबंदी इसलिए की कि अमीरों के कर्जे माफ़ करने थे। नोटबंदी करके लोगों ने पैसा लाइन में लग के बैंकों में जमा करवा दिया, और इन लोगों ने अमीरों के कर्जे माफ़ कर दिए। और ये करते हैं विकास की बात, ये करते हैं खर्ची पर्ची की बात, पैसे ले के नौकरियां लगी हैं या तो लगी नहीं। हमारा युवा आज भी बेरोजगार है। ठीक है, ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पवन हिंदुस्तानी साहब है।
सर आप सुन रहे हैं, आपके साथी विपक्ष के जो हैं वो क्या कह रहे हैं और सत्ता पक्ष का क्या दावा है, क्या तस्वीर है भिवानी जिले की, शहर की या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे उसमें लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, तोसाम है या फिर भवानी खेड़ा है, क्या तस्वीर है आज भिवानी जिले की? तस्वीर पवन जी खुल्लम खुल्ला है कि मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, मनोहर लाल खट्टर जी को बदला क्यों? अगर अच्छे मुख्यमंत्री थे तो बदलने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरा, भाई साहब ने बताया वाक्य में सच्चाई है, इस बार भी बीजेपी ने उसी विधायक को टिकट दिए दोबारा जिसके घर के ऊपर ये गंदा पानी आता है जी। पिछली बार भी यही मुद्दा था चुनाव में, मैं पिछली बार भी इसी डिबेट के अंदर खड़ा था जी। और उस समय इस मुद्दे के बाद भी वो तीसरी बार चौथी बार लगातार, सबसे बड़ी बात है कि उस मुद्दा जब ये उठा था तो उस टाइम के ऊपर भी घनश्याम जी यहाँ थे, और आज फिर दोबारा से वही मुद्दा अगर उठ के आया है इसका मतलब भिवानी को आज भी साफ पानी नहीं मिला। एक बात पूछना चाहूंगा बीजेपी वाले भाई हमारे संदीप सोरेन जी से मैं, कि 10 साल हो गए इनका राज को बने, 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 आया जी, 37.4% 2022 में था, उसके बाद 2023 के अंदर 5.6% और बढ़ गया जी। और 2026 के अंदर इसके अंदर सीधा सीधा 7% का इजाफा होता है। तो बेरोजगारी के अंदर ये कह रहे हैं कि जी युवाओं के लिए हमने पता नहीं क्या खोल दिए, अगर खोल दिए तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? दूसरी बात, आज न्यूनतम वेतन क्या है भाई से पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार है 10 साल के अंदर क्या न्यूनतम वेतन है आज? न्यूनतम वेतन यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई एक वेतन ऐसा होना चाहिए जहां कौशल नॉन कौशल व्यक्ति जब काम करे तो उसकी आय उसको सही ढंग से मिलनी चाहिए। मैं बताता हूं दिल्ली के अंदर हम 21,000 रुपये कौशल मजदूर को देते हैं, नॉन कौशल को हम 19,000 रुपये सैलरी देते हैं उनको, अगर इससे कम होती है तो 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना जी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, हरियाणा की 5,500 रुपये 5,500 रुपये अनकौशल की इन्होंने आय लगाई है। ये कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, अगर विकास किया होता तो कम से कम 18,000-19,000 क्यों ऐसे युवा आज कौशल की तरफ भाग रहे हैं जी। और कौशल में किस लिए भाग रहे हैं? 14-15 हजार की नौकरी पाने के लिए, और उसके लिए कितनी ये कहते खर्ची पर्ची नहीं चली, 8-8, 10-10 लाख की रिश्वत कौशल योजना के लिए लेने लग रही है, तो युवा कहां पहुंच गया? दूसरी बात, एक बात और करूंगा आपके बीच में, तो सामल के ही करता हूं, खानका पहाड़ है, HSIDC वहां पर काम करती है, भाई से पूछना चाहता हूं बता दो आपकी सरकार में तो सामल के एक युवा को अगर रोजगार दिया गया हो तो उसका आजू बाजू लगते गांव है, खानक लगता, पिंजोखरा लगता, डाडम लगता, बगनाड़ा लगता, तोसाम लगता है, इन गांव के अंदर लोग टीबी के शिकार हो चुके हैं लगातार कितने साल से, कांग्रेस की भी सरकार रही बीजेपी की भी सरकार रही, किसी ने एक हॉस्पिटल खोलने की हिम्मत दिखाई हो कि भाई ये लोग बीमार होने लग रहे हैं दूर से, उनके आने वाली जो जनरेशन है वो बीमार होती जा रही है, क्या उनको इलाज मिलना या उनके लिए हॉस्पिटल देना उनका हक है कि नहीं है? पहाड़ उनका, उनकी जमीन का पहाड़, हल्का का पहाड़, और दूसरे लोग फायदा कमा रहे हैं, 1% का हिस्सा तो लगना चाहिए जी। बात करता हूं लोहारू की, कृषि मंत्री तो पूरा हरियाणा का है जी। अकेला तो वित्त मंत्री है, खजाना मंत्री, आजकल कृषि मंत्री तो रहा है, दोनों मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण महकमे है, दोनों महत्वपूर्ण महकमे। तो सामने ऐसा क्या बुरा कर दिया, तो सामने के किसानों ने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि मुआवजा उनको 2,000 रुपये भी नहीं मिलता, और वहीं लोहारू के ऐसे क्या किसानों का फायदा हो गया जिसका खेती भी बुरी है, फसल खड़ी है, और फिर भी उसके खाते में 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा जाने लग रहा है। ऐसा क्या कर दिया तुसाम हल्के ने कि तुसाम हल्के के अंदर पानी नहीं पहुंचा और वहां आखिरी टेल तक भी पानी जाने लग रहा है, तुसाम के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि वहां काम नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि लोहारू हल्के का भी काम हो, लोहारू हल्के के लोगों का भी विकास हो और भी अच्छा विकास हो, पर मेरा यह कहना था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, आजू बाजू को देखते हुए कृषि मंत्री को काम करना चाहिए था। ये जी, जी हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से चौहान साहब है। सर आप लोगों के पास मुद्दा है, सवाल तो आप सरकार से क्या पूछेंगे, क्योंकि आप तो 4.5 साल खुद सरकार वाली गाड़ी में सवारी कर रहे थे, आपको लगता है कि 4.5 साल जब आप सत्ता का हिस्सा रहे तब आपने इनके साथ मिलकर भिवानी जिले के लिए कुछ किया? ऐसा जी, जननायक जनता पार्टी को
2019 के अंदर जो जनसमर्थन मिला था और 10 सीटें मिली थी जिनके दम के ऊपर हरियाणा सरकार के अंदर एक स्टेबल सरकार देने के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया। साथ में उन्होंने जनता को जो वादे किए थे उनको अपने साथ ले जाकर उन वादों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्हें करवाने के लिए उन्होंने राज में हिस्सेदारी की और उसमें 90% कामयाबी भी हासिल की। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% रोजगार मिले, इसके लिए इतना आपको पता है ना, मिला नहीं, कोर्ट चला गया, जानकारी है ना, बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। 75% रोजगार जो हरियाणा के युवाओं को मिलना चाहिए था, विधानसभा में जाने के बाद उसको कानून बनवाने का काम किया, लेकिन हरियाणा में कुछ राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे उन्होंने विधानसभा के अंदर भी उस बात का विरोध किया और कहीं ना कहीं पीछे से उसको PLA वगैरह डलवा के अरे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करवाने का काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के युवाओं का अधिकार, युवा के 75% लोगों को, युवाओं को मिलके रहेगा, क्योंकि अकेला गुड़गांव के अंदर 22 लाख रोजगार, जिसके अंदर हमारा 75% हक 17 लाख का बनता है, लेकिन हमें वहां पर मुश्किल से 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सभी पार्टियों को सर्वदल के साथ इस बात को पुनर्जोर पूरे जोर के साथ इसका आवाज को उठाना चाहिए। दूसरा मुद्दा था महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी, 50% हिस्सेदारी पंचायती राज के अंदर दिलाने का काम किया। सभी पार्टियां बैकवर्ड समाज के ऊपर राजनीति करती थी, अपने आप को बैकवर्ड समाज का वोट लेने का काम किया, लेकिन जब भी उनकी राजनीति की हिस्सेदारी की बात आती थी तो पीछे हटने का काम करते थे। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला जी ने जब ये महकमा उनके हाथ में आया तो उन्होंने 8% BCA को राजनीतिक पंचायती भागीदारी दिलाने का काम किया। साथियों, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक से एक बढ़कर ये महकमा आया पंचायत वाला, और ये पंचायत वाले महकमे में सरपंचों पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुए या फिर सरपंचों की जो लिमिट थी उसको कम किया गया, आपको लगता है कि जननायक जनता पार्टी ने उस वक्त सरकार के साथ रहते हुए कोई चूक की थी? मानती है आपकी पार्टी या आपके नेता? जी हाँ, उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने इस बात का अंदर खाते, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाते हुए बार भड़कने की बजाय अंदर खाते कहा था कि इनको 20 लाख की लिमिट को कम करने के बजाय इनको 25 लाख या 30 लाख की लिमिट दी जाए, लेकिन उस तरह उनके मंत्रालय को लेकर देवेंद्र बबली जी को अपने कांख में दबा के उससे इस काम को करवाने का मनोहरलाल खट्टर जी ने काम किया। इसके साथ ही मैं और अपनी बातें बताना चाहता था, देवेंद्र बबली को मंत्री JJP ने नहीं, BJP ने बना दिया, मतलब आप ये कह रहे हो? नहीं, मंत्री बनाया गया, लेकिन मंत्री तो वैसे बनाया गया, लेकिन उसके बाद में उसको कांख में लेके इस काम को करवाने का काम किया। उसका नतीजा आज ये है कि आज भी देवेंद्र बबली, हमारी पार्टी जो ही गठबंधन टूटा तो देवेंद्र बबली जी BJP की कांख में जाके बैठ गए हैं, आज भी उन्हीं के प्रत्याशी बने हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी चाहते थे इस बारे में हमारे जो चौहान साहब, ये मानते हैं आप या नहीं मानते कि 4.5 साल गलतियां हुई या नहीं हुई, ये मानते कि नहीं मानते? देखो, राज के अंदर जब आप गठबंधन के अंदर यदि आप छोटे हिस्सेदार हैं तो उसके अंदर गलतियां कई बार आंख बंद भी करनी पड़ती है अच्छे कामों को करवाने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो किसानों को 14 फसलों पर MSP उनके घरों में उनके सीधे खाते में पैसे मिलने का काम नहीं करता। कांग्रेस पार्टी 2014 तक राज में थी, एक बार सन 2006 के अंदर MSP के ऊपर मात्र सरसों को 1650 रुपये MSP पर खरीदने का काम किया, इसके अलावा MSP पर सिर्फ दिखाने का काम करते थे। 2019 तक BJP की सरकार रही, लेकिन कभी भी MSP के पर एक बार सिर्फ सरसों की फसल को खरीदने का काम किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने आने के बाद 700 रुपये के बाजरे को 2650 रुपये तक ले जाने का काम किया, मूंग की फसल को 18 फसलों को। इसका मतलब चौहान साहब, BJP JJP सरकार ने काम किया, मतलब गठबंधन सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। JJP के हिस्से में जो महकमे आए उनमें दुष्यंत चौटाला जी ने चाहे PWD डिपार्टमेंट का महकमा हो, गडकरी जी से सीधे संपर्क करके मनोहर लाल खट्टर जी, देखो सरकार के बगैर, मैं कहूँ कि BJP सरकार के बगैर JJP कर पाती, सरकार उनकी थी, लेकिन इससे पहले यदि आप 2014 से 2019 के इन्हीं मंत्रालयों के यदि आप उठा के देखोगे,
पीडब्ल्यूडी के राव नरबीर सिंह जी पीडब्ल्यू मंत्री थे, क्या कोई किसी को जानता कि आप 152 डी क्या बन सकता था? इस आशी से भिवानी तक 1622 करोड़ का 144 ये 148 भी आज फोर लेन बन पाता क्या? 25 करोड़ हर विधायक को लिंक रोडों के लिए मिल पाते? दुष्यंत चौटाला जी के आने के बाद वे उड्डयन मंत्री बने, उड्डयन मंत्री को कोई हरियाणा में जानता भी नहीं था, हरियाणा का बजट मात्र 38 करोड़ था। दुष्यंत चौटाला जी के आने के बाद 3240 करोड़ का बजट हुआ और 3240 करोड़ के अंदर इसी भिवानी के अंदर फ्लाइंग स्कूल बना। आज बच्चे यहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो 50% कंसेशन पर पायलट की ट्रेनिंग लेके जहाज में उड़ाने का काम करते, साथ में लगते महेंद्रगढ़ पिंजौर और करनाल के अंदर फ्लाइंग स्कूल का काम किया। साथियों, उनके जितने भी डिपार्टमेंट है उद्योग के अंदर यदि बात करें तो जब कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ से कितनी कंपनियों ने प्लान किया। आज मारुति का सबसे बड़ा निर्माण का प्लांट खरखोदा के अंदर, एटीएल का प्लांट गुड़गावा में, भिवानी में आएंगे आप तो, मतलब ठीक है आपने 10 ठीक है आऊंगा दोबारा। अनिल जी, आपकी पार्टी का गठबंधन है इस बार इस चुनाव में, भिवानी जो है वो किसी वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के लिए मजबूत जगह थी, आज क्या हालात है सर भिवानी जिले के? सबसे पहले तो मैं शिवराण साहब को बधाई दूंगा कि बीजेपी में होते हुए वक्त तक इनेलो सरकार आएगी, और जहाँ तक आपकी बात है आप खुद ही कह रहे हैं कि भिवानी में हम मजबूत थे, हम भिवानी ही नहीं मजबूत थे, अब नहीं कह रहा मैं आप सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं भिवानी में मजबूत थे, हम पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में मजबूत थे, लेकिन इन बीजेपी वालों ने हमारे कुछ साथियों को खरीदने का काम किया और वो खरीद के अपने में शामिल कर लिया और उनकी वो दुर्दशा की कि 10 में से 7 को अब भी लूट के ले गए। ये सरकार बनाने की बात करते हैं, इनके पास आज कैंडिडेट तक नहीं है, हरियाणा प्रदेश में भी इन्होंने 7 जेजेपी के लोगों को टिकट दी, जो कार्यकर्ता हैं आज मुंह बाए खड़े हैं, वो आज रो रहे हैं, टीवी पे आप भी देखते हैं, अनेक जिन जिन समाज के, चाहे वो राजपूत समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, जिस बहुते वोट लिए इन्होंने, वो आज कैमरे के सामने रोने पे मजबूर हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिसका सहारा लिया उसकी कड़ में छुरा घोंपने का काम किया, ये बीजेपी वाले लुटेरे हैं। इन्होंने कहा कि हमने विकास किया, विकास की तस्वीरें मैं साथ लेकर आया हूँ, अगर आपको समय है तो दिखाता हूँ, ये भिवानी के तो आए आप लोगों के लिए, भिवानी जिले के लिए आए हैं, ये भिवानी के विकास की तस्वीरें हैं, इन बीजेपी वालों को थोड़ा साथ दे देना ताकि इनको ये रहे दिमाग में, ये शोरान साहब ये विकास है भिवानी का, और एक एक फोटो सारी आपको दे दूंगा, और ये शोरान साहब की मजबूरी है कि शोरान साहब ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, शोरान साहब जहाँ से आए हैं कितने खड्डे हैं इनको ये नहीं पता, ये नौकरियों की बात करते हैं, लूट मची हुई है, जो 10वीं क्लास के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए उस गरीब का हक बीए पढ़ा हुआ ले गया और वो भी अपने किले बेच के उसने नौकरी लिया, और जहाँ तक जेजेपी वाले बोल रहे थे कि हमने बहुत वो किया, हमने किसानों के लिए किया, अरे भाई जिस पार्टी से तुम निकल के आए, जिस घर से तुम निकल के आए, उन्होंने बुढ़ाना लिंक नहर दी थी किसानों के लिए, आपने वो नहर की आवाज़ नहीं उठाई, आप किसान परिवार से हैं, आपके जो 700 किसान मारे गए, जब आपके नेता कहते थे ये तो किसान ही नहीं है ये तो डाकू हैं, इनसे पूछने वाला हो, ये किसान के हैं, कर्मचारी के हैं, व्यापारी के हैं, युवा के हैं, सभी जगह इन्होंने लूट मचाई हुई है, ना तो किसान के नाम पर कोई काम हुआ, ना युवा के नाम पर कोई काम हुआ, ना विकास के नाम पर कोई काम हुआ, कोई भी एक बिल्डिंग तो शाम में भिवानी में, लोहारू में, बोणीखेड़ा में, ये साबित करें, ये कहने की बातें हैं, हमने आधारशिला रख दी, एक भी नहीं रखी, और आज भी मैं खुले मंच से एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी तो बी और ए के रूप में काम करती रही और जेजेपी वहाँ बैठी लूट कर खाती रही, इनको आज जब जनता की याद आई है, जब भी ये अलग अलग कहीं वोट काटू के रूप में, कहीं हरियाणा प्रदेश में वो मजबूत सरकार बहन मायावती और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से कहीं हरियाणा के लोगों को फायदा ना मिल जाए, उस लिए वोट काटने के लिए हैं, इन कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया था, देवराज मेहता जी मेरे आदरणीय हैं, इनसे ये पूछो, जब कलानौर के बाद रोड नहीं बनते थे, मैम के बाद नहीं बनते थे, एक तो इनमें सिफत है कि इनकी नेता किरण चौधरी थी और ये कांग्रेस में थे और इन्होंने अपनी नेता को छोड़ा और कांग्रेस में रहे, लेकिन देवराज मेहता जी भी 2 दिन के बाद आपको मायूस नजर आएंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि टिकट इनकी जेब में है, लेकिन इनकी जेब में नहीं, वो पैसों के थैले में है और पैसे के थैले से टिकट आएगी और वही जो पहले फुसबम है वही कैंडिडेट होगा। ठीक है, ये बात जो है वो तमाम मुद्दों पर हो रही है, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं, ये भिवानी जिले के यहाँ पर जो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, चूंकि सवाल जो है वो इनके हैं और जवाब इन नेताओं को देने हैं, चाहे वो सरकार से सवाल पूछे या फिर विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनसे सवाल पूछे।
किसी का कोई सवाल है तो बताइए आप। सही मायने में देखा जाए तो हरियाणा का विकास केवल अक्षेत्रीय पार्टी कर सकती है। ये राष्ट्रीय पार्टी जितनी भी है सिर्फ ये ढकोसला करती है। आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं हल्का भवानी खेड़ा से आता हूँ। हल्का भवानी खेड़ा में पिछले 15 साल जो बैक से रामकिशन फौजी थे। मैं वही कह रहा हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं कार्यकर्ता है तो भी, लेकिन आप तो जो है वो सुझाव दे रहे हैं। आपने आपकी पार्टी ने क्या किया, आपका कोई सवाल है आपसे, आपसे किसी से भी सवाल हो तो आप सवाल पूछिए। मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आज ये घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं, जो बेरोजगारों के नौकरी के विषय में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके आंसू नहीं दिखा रहे, दिखाई दे रहे। आज फ्रंट पेज पे फोटो आ रही है इनकी टिकट करने पर। आप लोग हरियाणा के युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? साथ में ये सवाल बीजेपी से और जेजेपी दोनों से है, क्योंकि 4.5 साल सत्ता में साथ ही थे, युवाओं की बात तो साथ ही होनी चाहिए। सरकार का नुमाइंदा मनोहर लाल खट्टर जी थे, हम केवल सहयोगी थे। सहयोगी का काम होता साथ देना, लेकिन जो कलम थी ना, कलम की पावर खट्टर साहब के। दोनों से बात कर लेंगे, आप बताइए। मैं नमस्कार सर, मैं ये बीजेपी और जेजेपी है, तो 2019 तक मैं था शिक्षा बोर्ड में डेली वेज पे नौकरी करता था। तो 2019 में मेरे को इसलिए निकाल दिया, अग भाई तू तो जाट है, जाट तो बोले बिच्छू हो जो पानी में काटाएंगे तो डंक मारेंगे, ठीक है। और ये करने के लिए चेयरमैन के पास मैं गया, एक डेली वेज पे ही कर्मचारी था जो आरएसएस का था, राजेश शर्मा, उसने ये शब्द गए। ये आपके आरोप है, सवाल मैं खुद निकाला हूँ सर। उसके बाद आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, जो मेरी नौकरी थी वो भी खा गए। हाँ हाँ, और दूसरे सोरेन साहब से एक चीज और पूछूंगा जी, जब नौकरी एक कौशल है ही, एक ठेकेदार बना दिया, जो 70 ठेकेदार थे उनको तो पेट पर लात मार दी। और कोई सवाल हो किसी का, राजनीति सुझाव नहीं, सवाल पूछो आप, क्योंकि सवाल पूछे आप ये हम चाहते हैं। सोरेन साहब ने बताया कि हम बहुत रोजगार दे रहे हैं, अग्निवीर योजना लाए जिससे लाखों लोगों का, लाखों युवाओं का पेट पर लात मारी गई है, उसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है कि रोजगार मिल रहा हो बच्चों को, वो बहुत परेशान है। आप रोडों पर हजारों लोग घूमते थे बच्चे सुबह वर्जिश करते हुए, आज एक नहीं मिलेगा आपको। ये साहब बोल रहे हैं कि बहुत रोजगार दे रहे हैं, युवाओं का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर ये रोजगार देते, पर्ची खर्ची की बात करते हैं, नौकरी है ही नहीं, पर्ची ना खर्ची, कोई चक्कर को ना नौकरी का, जब पर्ची कहाँ से चलेगी, नौकरी है नहीं, सारी नौकरी खत्म कर दी, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी नौकरी नहीं है बीजेपी राज में, सारे देश का भट्ठा गोल कर दिया, आर्मी का भट्ठा गोल कर दिया, ये देशभक्त नहीं, देशद्रोही है ये लोग। कोई और सवाल किसी का जी? मेरा सवाल सत्तापक्ष विपक्ष और सभी नेताओं से है, जो सत्तापक्ष ने घोषणा कर रखी कौशल रोजगार में जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रोजगार 58 साल तक रहेगा जी। मैं जो ये घोषणा की है खाली हवा की घोषणा है या फिर इसमें ग्राउंड लेवल पर कुछ काम होगा, जैसे कि सत्ता की लहर दौड़ रही, परिवर्तन की लहर है, कल को कांग्रेस सरकार आती है तो कौशल तो 8 तारीख को पता लगेगा रिजल्ट क्या है। मैं इसके पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, जो कौशल रोजगार में जो युवा है उनका भविष्य निश्चिंत है क्या? ठीक, कांग्रेस से सवाल पूछो आपका कोई सवाल आएंगे दोबारा। मैं भिवानी शहर से हूँ, आज शहर में क्या दशा है, आप भी शहर के हो, अरेश्वर राणा साहब भी खड़े हैं, कोई तो रोड बढ़िया नहीं है। एमएलए साहब 5 साल बनने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से मोहल्ले में जाके या कौन सा बीजेपी का आदमी या पदाधिकारी किसने जाके किसके बारे में सुध ली है? सारे अपने बनने के बाद बैठ जाते हैं, ना तो कोई पानी की पूछना हो, ना कोई लाइट की पूछना हो, ना कोई सीवर की, सब कुछ भरा पड़ा है। रोड पे चले जाओ सीवर भरे पड़े हैं, पीने का पानी इतना साफ आता है आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है, आपका सवाल सर। मेरा सवाल बीजेपी नेता से है, पहली तो ये पब्लिक हरियाणा की आपको मेरिट पर वोट देगी, इस बार वैसे वोट नहीं देगी, मेरिट पे देगी, आप जिस लायक होगे आपको उस वोट मिलेगा। भिवानी के अंदर 4 पुल बन रहे जी, कम से कम 4-4.5 साल हो गए, ना कभी नेता जाता, ना कभी बीजेपी का विधायक, ना कभी एमपी, और ना कोई अधिकारी, लोग धरना दिए बैठे हैं, कभी भी कोई ये नहीं पूछता भी तुम्हारे क्या पेट में दर्द है, ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। आप लोगों ने किसके साथ धोखा नहीं किया, पूरा हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिस पार्टी इनके मिलाती है उससे सबके पीट में छुरा झोंकती है, इनका पक्का रिकॉर्ड ही पड़ पक्का रिकॉर्ड हम कर देंगे आपका। ये सवाल सबसे ज्यादा बीजेपी के पास आए हैं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है 10 साल से। शोरण साहब आपने सभी सवाल सुने, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है वो ऐसी योजना है जिसने युवाओं को
निराश किया है। ये शहर की सफाई व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था की बात करें कैसी है, सवाल आपने सुने हैं सर, जवाब दीजिए जी। सबसे पहले जी मैं इसको सामने रख लेता हूँ, काठपालिया जी एक मिनट। सबसे पहले मैं काठपालिया जी की एक बात का जवाब दे देता हूँ। काठपालिया जी ने जैसे अभी कहा कि स्वर्ण साहब ने कहा कि इनेलो सरकार बनाएगी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये एक अंग्रेजी का शब्द है इन ए रो, इसका मतलब होता है लगातार। तो मेरे जो बोला था ये बोला था कि तीसरी बार इन ए रो है, इन ए रो तीसरी बार लगातार सरकार बनाएगी। तो काठपालिया जी इस बात को आप थोड़ा दुरुस्त कर ले, है ना, इस चीज का आप थोड़ा दुरुस्त कर ले। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग है, बाद में चलेगी, आप उसको सुन सकते हैं। दूसरा अग्निवीर के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए सरकार की मंशा इस मामले में शीशे की तरह साफ है। हमारे देश के युवा में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, एनर्जी है, काबिलियत है, सक्षम है। भारत सरकार ये चाहती है कि हमारे देश का युवा ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी से ट्रेंड हो, और आप लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश का जवान जब सेवानिवृत्ति लेकर आता है वापस सिविल में, तो हर प्रतिष्ठान की एक तरह से इच्छा होती है कि उसको एक्स सर्विसमैन मिल जाए, क्योंकि वो निहायत ही ड्यूटी का पाबंद, वफादार, डिसिप्लिन्ड आदमी होता है, और उससे बढ़िया ड्यूटी कोई और कर नहीं सकता। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इस हिंदुस्तान के हर युवा के डीएनए में वही डिसिप्लिन जो फौज का होता है वो डाला जाए, ताकि इस देश को वो एनर्जी एक प्रॉपर चैनलाइज रूप से मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू वाले दिन से कहना है कि ये देश विश्व गुरु बनेगा, और इस बात को यहाँ बैठे हुए हर आदमी चाहता है कि ये देश, मैं वही कह रहा हूँ, ये देश विश्व गुरु बने, हर आदमी चाहता है, आप में से हर आदमी इस चीज को चाहता है। देखो सबका समर्थन है विश्व गुरु में, और विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम एक कदम इस खिताब के पास आपको लेके जा रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अब मैं अपने साथियों ने जो प्रश्न उठाए थे मैं उनका जवाब देना शुरू करता हूं। सबसे पहले देवराज मेहता जी ने मेरे सामने एक प्रश्न रखा, और एक वो बोतल लेके आए हैं गंदे पानी की, है ना। देवराज मेहता जी, कांग्रेस का शासनकाल आप याद करें, जब आए दिन अखबारों में हर गांव से कभी ग्रामवासी जाम लगाने को मजबूर होते थे पानी को लेकर, कभी शहरवासी मजबूर होते थे सीवर को लेकर जाम लगाने को, कभी शहरवासी ग्रामवासी अपनी समस्याओं के लेकर, क्योंकि उनकी सुनता तो कांग्रेस सरकार में कोई नहीं था, और प्रशासन बिल्कुल से निरंकुश था, भ्रष्ट था। क्या पिछले 5 साल में क्या देवराज मेहता जी के पास कोई ऐसी खबर है किसी ग्रामवासी को जाम लगाना पड़ा हो? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं है दिखाएं, जैसे ये इनेलो वाले भाई, इनका भी मैं आपको जवाब दूंगा। व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज गांव के आदमी को, शहर के आदमी को अपने घर से आंदोलन के लिए नहीं निकलना पड़ता, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर बात करें सड़कों की, साहब जिस सड़क पे वो कह रहे थे, आप सरकार का हिस्सा थे, आप जननायक जनता पार्टी से कार्यकर्ता के तौर पे बैठे, आप सरकार का हिस्सा थे, आप ऐसा नहीं कर सकते। नंबर दूसरा, अगर आप बात करें सड़कों की व्यवस्था की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जिस सड़क पे खड़े होकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका महम गेट, रोहतक गेट से सड़क शुरू होती है और घंटाघर तक, क्या कोई आदमी एक भी खड्डा इस सड़क पे दिखा सकता है यहाँ बैठे? नहीं है इस सड़क के ऊपर। आप भी आए हैं पवन जी, अभी ये सवाल जो है सोरान साहब, ये आप बैठिए, आप शांति से बैठिए, आप ही के सवालों की बात हो रही है, आपके सवालों की बात हो रही है, आप शांति से बैठिए। लेकिन एक बात बताइए, मैंने यहाँ आने से पहले थोड़ी जानकारी जुटाई, मेरे को जानकारी मिली कि संदीप सोरान साहब का जो शोरूम है, जो जगह है, वहां सड़क या वहां का सीवर ठीक है? बिल्कुल नहीं, आरसीसी की सड़क निर्माणाधीन है,
दस साल हो गए सर? नहीं, 10 साल नहीं हुए हैं। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, सड़क का पुनर्निर्माण। सड़क प्रशासनिक प्रक्रिया है संदीप चौहान की नजर में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रशासनिक प्रक्रिया है। सड़कों के जो टेंडर होते हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो हर 2 साल में 3 साल में सड़क का पुनर्निर्माण होता है, हर सड़क का होता है, और ये जरूरी है, अदरवाइज वो सड़कें खत्म हो जाती हैं और सड़कों की खस्ता हाल हो जाती है। तो उसी निर्माण प्रक्रिया के दौरान वो शोरूम के सामने वो जो सड़क है वो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं बन रही है। आरसीसी की बिल्कुल उसके मटेरियल की जांच यहाँ बैठे साथियों में से कोई कर सकता है, पूरी तरह से परफेक्ट उसकी मटेरियल लगाया जा रहा है। जहां बात अमृत योजना की हो रही थी, पालवास गांव पे जाके हमारे भिवानी नगर परिषद की सीम खत्म होती है जी। आप उस पालवास गांव के नींव पे जाके देखो, क्या अमृत योजना का सीवर लाइन वहां तक पहुंचा हुआ है? नहीं पहुंचा है। मैं यहीं बैठे लोगों से मैं बात करता हूं, मैं जाके दिखा सकता हूं आपको, आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे कि नगर परिषद की सीमाओं के अंदर आखिरी छोर तक, मैं कह रहा हूं वहां तक वो बिल्कुल अमृत योजना का सीवर आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि बिल्कुल बाकायदा अपना काम कर रहा है। एक मिनट जी, बहुत सारे मुद्दे थे। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे पवन हिंदुस्तानी जी ने, जैसा कि अभी बताया 2 मिनट पहले, इन्होंने क्या बताया कि लोहारू हलके के अंदर इतना काम हो गया, तोशाम हलके के अंदर काम नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर इन्होंने कहा कि वहां कुछ बीमारियां हैं। तो चलो, पहले तो मैं पवन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये तो मानना शुरू किया कि काम हमारी सरकार में जबरदस्त हुए हैं। ये कह रहे थे साथ साथ कि और जगह भी होने चाहिए। एक बार मैं बोल तो लूं, मेरी बात है, मैं भिवानी जिले की बात करूंगा। पवन जी 5 साल में जब चुनावी दौर होता है उसी टाइम तो शाम आते, उससे पहले आते नहीं तो पवन जी को अच्छी तरह से इस चीज का पता होता। विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा हमने अभी शुरू करी थी, और उस विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के अंदर हर जगह के लोग हर बूथ के लोगों का हमने बिल्कुल मुफ्त मेडिकल परीक्षण करवाया था सरकार की तरफ से। सुनिए तो, सरकार की तरफ से गांव के हर आदमी को जरा भी अगर कोई प्रॉब्लम थी उसके अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिल्कुल मुफ्त उनको दवाइयां दी गई, मुफ्त उनके स्वास्थ्य की जांच हुई हर जगह पे। अगर पवन जी 5 साल के बीच में कभी आते तो पवन जी को पता होता कि यह प्रक्रिया लगातार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में लेके चली है। ठीक है, ये साहब पता है क्या है, सभी से बात करते हैं क्योंकि बात आप घुमा फिरा के लंबा चौड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु। मैं भिवानी और भिवानी के विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, पवन हिंदुस्तानी के पास आऊंगा, फिर मेहता जी के पास जाना है। देखिए, चुनाव स्टेट का बात सेंटर की करने लग रहे हैं भाई। एक बात करने लग रहा था कि भाई लोहारो में विकास मान रहा है, भाई विकास कौन मान रहा? विकास तो मानता तो मैंने पता चल जाता कि भाई जीत जाता, मैंने नू पता है इस बार जीतता कौन का, और इस पब्लिक ने पता है कौन जीतने वाला वहां पे। तुम्हारा तो एक बात का द्वारा यो कहना था कि भाई यो भेदभाव क्यों था? कृषि मंत्री पूरा हरियाणा का बनाया था, अकेला लोहारुआ कौन बनाया था? जब आप यहाँ आए थे तब एक दूसरे के दोनों बड़े जफ्फी डाल रहे थे, भाई भाई कर रहे थे, 5 साल बाद मिले हो क्या? देखिए संदीप सोरेन जी मेरे पुराने मित्र, हम इकट्ठे पढ़े भी हाँ, इकट्ठा खाया भी है, पिया भी है। मेरा कहने का मतलब यो है कि आज वो बीजेपी में, मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, इस बात को मैं सच्चाई मानता हूं। मैं मेरी पार्टी की विचारधारा का आदमी हूं, मुझे इस विचारधारा में जाना है। मैंने केजरीवाल जी क्रांतिकारी लागे हैं तो मैं उस क्रांतिकारी के साथ में हूं। हो सकता है इसने प्रधानमंत्री पता नहीं कितना बड़ा झूठा लागता होगा, लागे भी है ना लागे है, लेकिन देश तो नू कह भाई बहुत बड़ा झूठा है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? मोदी झूठा है कि नहीं झूठा? लो जी, 5 साल बाद आए हो क्या? मतलब ये कह रहे रहते नहीं है यहाँ पे, चुनाव में ही आते हैं? नहीं, ये गलत बयान था भाई का। मैं संगठन का आदमी हूं और मेरा पैशन भी संगठन बनाना है, तो मैं हर गांव के अंदर जाता रहता हूं और हर गांव के अंदर संगठन बना रखा है। एक बार हाथ खड़े करिए भाई, तो शाम तक संगठन बनाया कि नहीं देख लो। ठीक है, ये आपके साथी जो है वो संगठन बनाने पे मोहर लगा रहे हैं, लेकिन संगठन 8 अक्टूबर को किसका मजबूत था ये रिजल्ट बताएगा। मेहता साहब, आप पे वो कह रहे हैं कि ये हर बार मुद्दा होता है लेकिन हमने काम किया है। शिवराम साहब का बात का जवाब मैं सिलसिलेवाइज देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि 2014 में से पहले सीवर व्यवस्था बहुत ख़राब थी। शिवराम साहब शायद या तो भिवानी में नहीं रहते, पूरे शहर की CIP की गई। ये पास में हाउसिंग बोर्ड है, सब जानते हैं 14 से पहले कितना पानी भरता था, कांग्रेस सरकार से पहले कितना पानी भरता था, लोगों घरों में पानी होता था, MPS लगा हुआ है, आज भी हाउसिंग बोर्ड में पानी नहीं भरता, पूरी लाइनें ये तो मेंटेन भी नहीं कर पाए 10 साल में, उसको सारा सीवर सिस्टम बढ़िया हो गया था।
दूसरी ये सड़कों की बात कर रहे थे, कहाँ की बात करते हो? जहाँ आपका मंत्री रहता है जेपी दलाल, जहाँ आपका एमपी रहता है धर्मवीर, आप हुड्डा में जाकर तो देखो, आपकी गाड़ी निकल जाए तो मैं मान जाऊँगा, कितने गड्ढे हैं वहाँ। कोई मतलब विकास की बात करते हो, आज ये कह रहे हैं घंटा घर, ये अपना रोहतक रोड पे सीवर हमने कमेटी की सीमा तक पहुँचा दिया, अपन सभी बैठे हैं, इन्होंने रोड बनाया अपना रोहतक गेट से लगा के अपना बस स्टैंड तक, लेकिन इन्होंने सीवर नहीं डाला। देखो कमाल की बात, कितने समझदार लोग हैं, इनको इतनी समझ नहीं है भाई, पहले आप सड़क बनाने जा रहे हो उसके नीचे सीवर लाइन डालनी चाहिए, साथ में वो पानी के डिस्पोजल वो नहीं बनाया, खुला नाला नहीं बनाया पानी निकल सके। काफ़ी कंप्लेंट की, लोगों ने विरोध किया, 2 फुट ऊंची सड़क बना दी गई, जो वहाँ के बशिंदे हैं कॉलोनियाँ नीचे पड़ गई, कमला नगर, तेलीवाड़ा, आपका ये MC कॉलोनी 2-2 फुट नीचे है, दुकानें सब नीचे पड़ गई, अब सारे आदमी उसको उठाएंगे ऊपर, कितना पैसा लगेगा। और जब विधायक के पास किसी विरोध किसकी कंप्लेंट के लिए गए, विधायक कहता है, बोला भाई अफसर माने तो कौनी, अफसर फ़ोन तो नहीं उठाते, MP पे जाते हैं, कहता है जी मैं कर दूंगा, आप जाओ। लेकिन ये आपके ऊपर एक सवाल और आया था, ये कहा कि जब आपका राज था 10 साल तो कलानौर से भिवानी जिले में एंट्री होती पता लग जाता था कि अब हम भिवानी जिले में आ गए, रोड केवल बॉर्डर तक बना, आगे नहीं बना। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, कई बार ऐसा होता है घर में ऐसी लड़ाई हो जाती है, घर का मुखिया जो है उसके खिलाफ अगर बेटा बोलेगा तो मुखिया भी वो करता है। बाकी विकास कार्य बहुत हुए उस टाइम, ठीक है घर में विरोध हो गया, वो सड़क का काम जरूर रुका, वो सड़क का काम जरूर रुका, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन घर में जब विरोध हो जाता है, घर का बच्चा विरोध करता है तो मुखिया वो करता है। लेकिन उस टाइम आपके मेडिकल कॉलेज के 250 करोड़ रुपए आए, बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी, ये उसी टाइम की वो है देन है, उस टाइम सारा विकास कार्य हुआ। आज दिल्ली पहुँचते हमें देर नहीं लगती, वो जो बाईपास रोहतक का बनाया वो उसी टाइम ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, सारी सड़कें आप देखो उस टाइम ही बनी हैं। ये हमारे साथ जो है वो जननायक जनता पार्टी से चौहान साहब हैं, इनके साथ जो कुछ इनके कार्यकर्ता आए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, जबकि सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे क्योंकि आप 4.5 साल सत्ता का हिस्सा रहे हैं। चौहान साहब, आपके साथ ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, आप दीजिए जवाब इनको, 4.5 साल तो आप सत्ता वाली बस में ही सवारी कर रहे थे। बिल्कुल टेंडर के खेलने कितने परसेंट लिया करते, बता दो, आपके साथी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा अजी मैं दोनों का जवाब दे दूं, मैं और भी सारे का जवाब देने में सक्षम हूं। जवाब दो, जवाब जवाब। ऐसा अजी मेरे साथी जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे बीजेपी के जो JJP का हमारा दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे, उनके विभागों के अलावा जितने भी 52 विभाग थे वे मनोहर लाल खट्टर जी और उसके मंत्रियों के पास थे। जिस एक बार मैं जो पहला उसका जवाब देता हूँ, उसके बाद जिस युवाओं के ऊपर, अग्निवीर के ऊपर और युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर सवाल उठा है, उसके अंदर बीजेपी सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। जिम्मेवारी का कारण HPSC के बोर्ड के अंदर सभी सदस्यों, बीजेपी के SS बोर्ड के सभी सदस्य, चेयरमैन बीजेपी के, HKRN का, निगम का जो डायरेक्टर है वो एक IS ऑफिसर जो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया, ये सब चीजें थी। जब ये चीजें थी आपको लग रहा था कि हम जनहित में काम नहीं कर पा रहे, भिवानी जिले के लिए काम नहीं कर पा रहे, तो फिर सत्ता में रहना जरूरी था? भिवानी जिले के लिए जो काम करने थे उनके लिए पूरी जोर शोर के साथ के लड़ाई मैं उससे पहले चरण में आपको काफी हद तक बता चुका हूँ। उसके अलावा भी मैं ये जो बाकी बातें, ये ठेकेदारी प्रथा है जो ये HKRN है, ये कहां से आई? ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। गैस टीचर की बात हो, किसी भी हॉस्पिटलों के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर ठेकेदार के तहत मैन पावर को देना, 700 बच्चों को ठेकेदार के मैन पावर के अंदर देना, उसके अंदर 400 बच्चों को काम करना, कलेक्टर रेट पर कलेक्टर। जब आप सत्ता में थे, जब ये लागू की जा रही थी तो विरोध क्यों नहीं किया? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, उसी पे आओ, उसी पे बात करो। अब जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात का आरोप लगा रही, दोनों की बातों का इसी के अंदर जवाब है। जब इस बात के लिए ठेकेदार एक हमारे युवा साथी को तो 8200 रुपए देता था, 13,500 रुपए सरकार से ठेके का लेता था। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक निगम की सिफारिश की गई। ये HKRN सही है आपकी नजर में? इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए निगम की भाषण दे रहे हैं आप, रैली थोड़ी है आपकी पार्टी की, आप मुद्दे का सीधा सीधा जवाब दीजिए। HKRN को जननायक जनता पार्टी ठीक मानती है?
एच के आर के अंदर सिर्फ ठेकेदारी प्रथा खत्म करने तक ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको उसको रोजगार के जो बाकी युवा को उसको ढकेलने का काम करके उसको गलत सिद्ध कर दिया। आप बताइए नील जी, ये जो जेजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले हैं बड़ा छल्लेदार भाषण देते हैं और एक एक डिग्री गिनाते हैं, क्योंकि इनको लूट का पता है कहां से लूटना है। ये जेजेपी वाला कह रहा था कि हमने ये कर दिया, इस जेजेपी वाले से जरा पूछो रजिस्ट्री घोटाला कहां गया, जब कोरोना के दौरान मक्खी मच्छर तक दिखाई नहीं देते थे, दारू कहां गई, अरे तुमने लूट की दुकान खोल रखी थी, आज तुम्हारी बंद हो गई, और आज बंद होने के बाद, और ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो सोरान साहब ने साबित कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक सारे झूठ हैं, अपने मुंह से कई बात को भी मुकर गए, और यहाँ बैठी बात जो पब्लिक कह रही है उसको भी मुकर गए। बीजेपी के हालात आज ये है, राजस्थान में इनका जो नहीं नहीं मैंने भिवानी जिले की बात की, आप इंटरनेशनल, राजस्थान में भी इन्होंने एमपी को एमएलए बनाने का काम किया, और आज भिवानी में भी आप चाहे तुषाम की बात कर लें तो कांग्रेस से हैं, आज चाहे आप दादरी की बात कर लें तो एक दिन पहले छुट्टी लेके आते हैं दूसरे दिन टिकट मिल जाती है, आज चाहे भिवानी की बात कर लें हर एक व्यक्ति दुखी है, परेशान है, निराश है, हताश है, वो भी है, और चाहे आपका ये कांग्रेस वालों की बात कर लें, इन्होंने सब ने लूट की दुकान खोल रखी है, एक नौकरी नहीं दी। मैंने आपको कहा था कि सोरान साहब से पूछें कि पूरी जिले में कोई एक बिल्डिंग बनाई हो तो। ये सवाल किसी का है, आप जननायक जनता पार्टी का पटका पहन के बैठे हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सवाल नहीं कर सकते, आप तो 4.5 साल खुद सरकार का हिस्सा थे, आप सवाल पूछने की बात करें, इधर आइए आप आगे, सीधा छोटा सा सवाल, भाषण नहीं। मेरा जवाब ये है, प्रधानमंत्री ने जी रेडी वालों के लिए एक योजना निकाली थी, स्ट्रीट वेंडर योजना, बहुत लाभ मिला जी गरीबों को, लाभ मिला तो अच्छी बात है, सवाल है कोई? सवाल यही है, बहुत बढ़िया है मेरा प्रधानमंत्री, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। आपका कोई सवाल, आप सवाल पूछो। मैं तो एक ही बात कहूंगा सर, ना बात कर रहे हैं विकास की, विकास तो छोड़ो जी, शहर में सफाई तक नहीं हो रही, इतनी गंदगी हो रही है, शहर का नाश कर रखा है जी, बिल्कुल। सवाल ये इस तरीके का सवाल पूछिए, सवाल केवल सवाल, आप जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे बैठे हो, आप सवाल 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 हाँ सवाल इस युवा का सवाल। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि जो ये कह रही थी जबाई थी 2014 में कि नशा मुक्त बनाएंगे, रोजगार देंगे, उसके आने के बाद जितने ठेके भिवानी के अंदर खुले हैं और जितना तम्बाकू उत्पाद बढ़ा है उतना कभी भी नहीं था, क्यों बढ़ाया है? थोड़ी बढ़ गई, आप ये कह रहे हैं, आप पूछ चुके हो जी, किसी और को पूछने दो, आप आओ अंकल जी, आप नहीं नहीं आप पूछो, विश्व गुरु का उसके बारे में बताना था, मैंने बताना कुछ नहीं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ जी बीजेपी और जेजेपी से कि ये जो पीआईडी लागू करी और किसी राज्य में भी करी क्या, ये लूट मचा रखी है, यहाँ बार बार लूट मचा रखी है। आप आइए, आप नहीं नहीं आप आइए जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है साहब कि ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, परंतु शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, स्कूलों में जनसंख्या घटती जा रही है, इसका क्या कारण है? चौरान साहब आप छोटा छोटा जवाब देना, आप विश्व गुरु इंटरनेशनल वो नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट। देखिए साहब मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने शिक्षा के ऊपर बात करी है, आपके भिवानी जिले के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया गया है, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया गया है बीजेपी सरकार में, और सुनिए इंडो इजराइल एग्रीकल्चर अनुसंधान केंद्र लोहारू के गिगड़ाओं के अंदर इंटरनेशनल स्तर का शिक्षा के स्तर में जितना काम हुआ है इतना काम कहीं नहीं हुआ आज तक, जितना काम हुआ है शिक्षा के स्तर में इस सरकार में, मेडिकल कॉलेजों की चाहे आप देखें, यूनिवर्सिटीज की चाहे आप, मेडिकल कॉलेज बनाए वो वहां से एक सवाल था, ये पीआईडी जो बनाई आपने परिवार, ये आपका जो प्रॉपर्टी आईडी, ये आपको लगता है सही था फैसला? मैं कहता हूं कि सरकार का ये बिल्कुल सही फैसला है, बहुत आप देखेंगे 2014 से पहले नगर परिषदों के अंदर गदर मचा हुआ था। एक सवाल आया था नशाखोरी का, भिवानी जिले में नशाखोरी बढ़ी है, ये एक युवा था वो कह रहा है नशाखोरी बढ़ी, हमारा युवा पूरी तरह से शिक्षा के अंदर तल्लीन है, नशाखोरी में बिल्कुल नहीं है, हमारा हरियाणा का युवा अपनी एनर्जी को सिर्फ पॉजिटिव चीजों में चैनलाइज करता है, नेगेटिव में कभी नहीं करता। ये यहाँ पर जो है वो तमाम चर्चा चल रही है, लेकिन अब मेरा सभी से अनुरोध है, मेहता साहब सभी से अनुरोध है, आपके पास मैं आ रहा हूँ, लेकिन 30-30 सेकंड में अपनी लास्ट बात करनी है हमें, मेहता साहब भिवानी जिले की 4 सीट पर कांग्रेस का क्या दावा है सर, छोटा सा जवाब प्लीज। भिवानी की 4 सीट कांग्रेस निकालेगी, क्योंकि बीजेपी से लोग इतना परेशान है,
हर वर्ग सड़क पे है, हर वर्ग विरोध कर रहा है, कोई नहीं चाहता। अगर कांग्रेस की नीतियों से सबको पता लग गया कि कांग्रेस की नीतियां ठीक थी, हर वर्ग के साथ थी। हिंदुस्तानी साहब, क्या रणनीति है इस बार भिवानी जिले के लिए आपकी पार्टी की? बढ़िया रणनीति है। पीछे नगर परिषद का चुनाव हुआ, सेकंड नंबर पर खड़े थे, और आने वाला चुनाव के अंदर आपने पता लगेगा बिना आम आदमी पार्टी के कौन सी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। एक बात और, आम आदमी पार्टी कदे सर्वे में नहीं आती, आम आदमी पार्टी आओगी तो सीधी सरकार में आओगी। और मेरा भाई तो एक लास्ट सवाल से कि भाई ये किसान खेती करे, पोर्टल के ऊपर फार्म भरते रहे। सुरान साहब, 924 करोड़ रुपए का अकेले एक विधानसभा में पिछले 5 साल में फसल मुआवजा वितरित हुआ है पवन जी, ये रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान। क्या दावा है 2019 के इतिहास को दोहरा पाएंगे 2024 में भिवानी जिले में? 2019 से ज्यादा, 2019 में हमारा 75% रिजल्ट था, इस बार भिवानी जिले में हमारा 100% रिजल्ट आएगा। चौहान साहब क्या कहेंगे, 30 सेकंड में जवाब। जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन इस बार चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार जिताड़े जा रहा है। जनता राष्ट्रीय पार्टियों से परेशान है, और क्षेत्रीय पार्टी उनको पता है कि क्षेत्र का, हरियाणा का विकास सिर्फ क्षेत्र पार्टियां कर सकती है। क्या कहेंगे नील जी, भिवानी जिले की चारों सीटों पर क्या दावा है? भिवानी जिले की चारों सीट मायावती जी के और ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, जो हमने अतीत में विकास किया है उसके बलबूते हम चारों की चारों सीटें जीते। हमारे साथ भिवानी जिले की जो वोट यात्रा है, इस वोट यात्रा में जो 5 मेहमान जुड़े हैं, उन 5 मेहमानों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। ये भिवानी जिले की वोट यात्रा थी, वोट यात्रा में तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में बात हुई है, लोगों ने अपने सवाल रखे हैं, और जो जिन लोगों से सवाल थे उन्होंने जवाब दिए हैं। भिवानी जिले की वोट यात्रा में आप मुझे इजाजत दीजिए, जल्द अगले जिले की वोट यात्रा के साथ मिलेंगे, लेकिन 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उन नतीजों में भिवानी जिले की इन 4 सीट का रिजल्ट क्या होगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी भिवानी जिले की वोट यात्रा में फिलहाल नमस्कार।